जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि 2 मई को सरजीत के लिए सारा देश इकट्ठा हुआ था, 26 अप्रैल को उसके ऊपर जेल के अंदर हादसा हुआ, उस पर हमला हुआ। अफसोस मुझे सारी, जब तक मैं जीऊंगी जितने साल भी, एक अफसोस रहेगा कि इन हाथों से मैंने अपने बेटे को, अपने भाई को, जिसे मैंने अक्सर बेटा कहकर पुकारा, राखी बांधी थी, अपने हाथों से उसे रोटी भी खिलाई थी, प्यार किया था, उसे सलाहा था, उसके बालों में हाथ मैं फेरती थी, उसका जूड़ा भी किया करती थी, रुमाल भी डाला करती थी, और कई बार वो अगर मेरे साथ रूठ कर रो भी पड़ता तो उसके आंसू भी पहुंचती थी। और इन्हीं हाथों ने, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में शायद एक अभागी बहन नहीं होंगी जिसने अपने पुत्र समान बेटे की चिता को अपनी ली। 28 अगस्त, 26 अप्रैल, 2 मई मेरे जीवन के एक काले दिन हैं, मेरे इतिहास के लिए, मेरे दुख के लिए, मेरे दर्द के लिए। हर राखी पर मैं इंतजार करती थी, सरबजीत तुम लौटोगे, इस बार तो तुम जरूर लौटोगे और हम इसी आंगन में बैठेंगे, फिर से राखी बांधेंगे। मगर अफसोस कि वो नहीं आया। I'd like to say that the biggest point that this movie makes is that, like Dalveer ji was saying, that in the political, or Hindi mein siyasi herfer ki wajah se, there are a lot of innocent log phas jate hain uske andar. Aur jo political climate do deshon ke beech mein change hota raha, jisse ki Sarabjit ki life mein khilwaad hote rahe wahan pe, jisse uska koi lena dena nahi hai, जिससे उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, उसकी वजह से इन द पॉलिटिकल, जो हम दोनों देशों के बीच में जो एनिमिटी है, उसकी वजह से कितने इनोसेंट लोग पिसते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैसेज है। इट्स अ मैसेज फॉर पीस एंड इट्स अ मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी। एंड आई होप दैट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी बोथ द गवर्नमेंट्स, द होल पब्लिक ओपिनियन चेंजेस एंड इट बिकम्स दैट वन ऑफ लविंग एंड फ्रेंडलीनेस एंड यू नो honoring each other as human beings and not just in Hindustanis and Pakistanis. It's ridiculous. I can just say thank you, Dalveer ji, Supreet ji, Poonam and Swapan. Thank you for allowing us into your lives and true. Entrusting us with having the faith in all of us to share your story with the world, and we are blessed that we have got to know y'all and had the opportunity to be the vehicles to translate your story to the world, which is such an important story. It's a human story, and words obviously fail me now. Randeep, you've said it all very beautifully for all of us, but I just say we seek your blessings, Dalveer ji and the family, and thank you for being you. बहुत कुछ कहा जा चुका है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी. दिस इज़ द कैजुअलिटी ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, दिस पीपल राइट हियर. और बहुत कम बार होता है एक्टर्स की ज़िंदगी में, ऐसा बहुत कम बार होता है जब उनको अपनी फिल्म के ज़रिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ उससे बड़ा कहने का मौका मिलता है. सो बहुत बड़ी बात होती है अपनी लाइफ को किसी और के हवाले कर देना. तो थैंक यू उमंग, थैंक यू दलबीर जी, थैंक यू. Oh.
पास बिठा कर ही बस थैंक यू सारी मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं।